इसके लिए अगर पाकिस्तान से दुबई आना पड़े ना सिर्फ इसके लिए तो भी बंदा आ सकता है। वाइड रोस्ट आ गया थारी रफीक भाई, सिंगल सिंगल सर्विंग ये सिंगल सर्विंग होती है। ये मटन हलीम है या बीफ हलीम है? नहीं नहीं, आपके लिए मैं बिरयानी खिलाऊंगा स्पेशल, हम लोग का दुबई का बेस्ट बिरयानी है, आप एक ट्राई कर लीजिए माशाल्लाह आपको मजा आएगा। अच्छा ये है जी जबरदस्त दुबई में मटन बिरयानी। अच्छा एक तरफ इनका जो कोरमा बिरयानी तैयार करके रखा हुआ है, साइड में सादे चावल है और ये मिक्स हो जाता है। ये एक प्लेट है जी, एक प्लेट ये रफीक भाई एक प्लेट कितने की यहाँ पे? ये आपका 17 दिरहम का है। 17 दिरहम का जी मटन है। अच्छा ये मटन कोरमा है, ये हम लोग का स्पेशल अलीम है। अच्छा कराची वाला जी जी। ये मटन वाइट है, वाह जबरदस्त, मछली की बोटियां रफीक भाई पाकिस्तान की याद करा दिया आपने। ये मटन कढ़ाई आ गई, ये मटन कढ़ाई है, चिकन का कढ़ाई है, सही है जी। और अपना क्या बोलो, सब्जी में चाहिए तो आलू पालक होता है। अच्छा आलू पालक होता है, एक दिन मिक्स सब्जी होती है, एक दिन आलू पालक होता है, भिंडी एवरीडे होते हैं हम लोग, भिंडी डेली मिलेगी जी 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 जी। और ये आ गई जी हमारी, ये मटन हलीम है या बीफ हलीम है? ये अब पूरी हलीम तैयार हुई है, वो ब्राउन प्याज भी आए, अब हलीम बनी है ये। और इसका स्पाइस एक तरफ है और जो चावल वो एक तरफ है, इसमें आप इसको डाल के तो अपने जायके के मुताबिक। ये मटन है और ये मटन भी फ्रेश यूज़ करते हैं, ये वो मतलब पैकेट वाला या वो फ्रीज़र फ्रीज हुआ हुआ मटन नहीं, फ्रेश मटन जो लेके बनवा के तो उसकी बिरयानी बनाते हैं। सही, अगर तो आपने सिर्फ खाने तक रहना तो फिर तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, उसके बाद मैंने मरीना जाना है। सॉरी तो मैं आज मौजूद था यहाँ पाक लियारी रेस्टोरेंट है, ये आपको यहाँ पर इनकी 4-5 ब्रांचेस मिल जाएंगी, दुबई देरा में भी मौजूद है, गूगल कर लें बड़ा इजीली आप दुबई में आते हैं, जो बंदा दुबई जाता है स्मार्टफोन लाजमी इस्तेमाल करता है तो गूगल कर लो, वो गूगल करके आपको मतलब इनकी ब्रांचेस जो भी नियर ब्रांच होगी वहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको इनकी जो सबसे फेमस चीज़ है वो इनकी बिरयानी मिल जाती है, फिर इनसे आपको हलीम मिल जाएगी, फिर यहाँ पर आपको इनका मटन कढ़ाई मिल जाएगी, चिकन की 2-3 वैराइटीज़ हैं। बहरहाल मैंने जो ऑर्डर हम लोगों ने किया था उसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ पसंद आई, वैसे बिरयानी इनकी बड़ी फेमस है लेकिन मुझे इनकी हलीम बड़ी मज़े की लगी थी। और अगर आप अभी दुबई आते हैं तो पाकिस्तानी खाने का मन करे तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये दुबई की जो है सबसे फेमस बिरयानी है। तो इसके बाद जो आप भी बताएंगे कमेंट में अगर आपको पसंद आती कि नहीं आती। तो ये भाई साहब बड़े शौक से माशाल्लाह बिरयानी खा रहे थे, जा रहे हैं आप यार? आप ये बड़े शौक से बिरयानी खा रहे थे, मज़े की थी, जबरदस्त जबरदस्त। और अगर आप आते हैं दुबई में तो सर यहाँ पर आकर जरूर ब्रांड ट्राई करें। और अब आगे चलते हैं, आज हम लोगों का प्रोग्राम मरीना जाने का है और रात का डिनर पता नहीं कहाँ से होंगे, तो आपको मरीना दिखाते हैं जाके। मरीना में भी आपको बड़े तकरीबन सारे मल्टीनेशनल होटल्स मिल जाते हैं, आपको वहाँ बीच मिल जाएगा, वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इंटरटेनमेंट के लिए। सो चलते हैं मरीना। अभी फिलहाल हम लोग मरीना डाइन पे बैठे हैं आके, और मेरे दोस्त जो अहमद साहब हैं इनके ये दोस्त हैं आगे से, और इन्होंने ही ये रेकमेंड किया है मरीना डाइन। वहीं तक कल नहीं ना कबल सर अगर यूम हाँ कुल वगैरह ज़ैन वाला माफ مكل شيء زين بس يعني بس هذا فيو كويس صح؟ هذا فيو كويس وفي كثير اكل زين في اشياء جربتها ما حبيتها طيب اوكي كل ما يهاب رابكو عربيك انديان كافي خانه مل جائیں گے तो खाना आता है, खाना खाते हैं, खाने के बाद आपको बीच पर लेकर चलते हैं। और अगेन सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप मेट्रो से कैसे आ सकते हैं, कौन सा स्टॉप आपने उतरना। अनएक्सपेक्टेडली हम लोग लेट पहुँचे हैं, यहाँ पे अंधेरा हो चुका है, लेकिन मरीना में अगर आप दुबई आते हैं तो पहले मैं आपको इसका रूट समझा दूँ। सेम उसी तरह मैं ग्रीन लाइन पर निकला हूँ घर से, यूनियन स्टेशन से मैंने जंक्शन स्टेशन, वो जंक्शन स्टेशन है, वहाँ से अपना जो है इंटरचेंज करते हुए अपनी मेट्रो चेंज की, वहाँ से मैं रेड लाइन में बैठा हूँ। रेड लाइन आपको तकरीबन पूरा दुबई घुमा देती है, पूरे दुबई में आप बुर्ज खलीफा जा सकते हैं, मॉल ऑफ दुबई जा सकते हैं, मॉल ऑफ एमिरेट्स जा सकते हैं, ट्रेड सेंटर जा सकते हैं, मरीना, जुमेरा, अगर आप रेड लाइन पे बैठ गए हैं तो आप इन सब जगह पर घूम सकते हैं बड़ा ईजीली। और यही रेड लाइन आपको एक्सपो तक ले जाती है, लेकिन इस वीडियो के लगने तक एक्सपो शायद ख़त्म हो चुकी होगी। सो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो अभी तो अंधेरा हो गया, ये मतलब दुबई का एक तो पोश एरिया है मरीना, और यहाँ पर आपको तमाम मल्टी नेशनल जो होटल्स चेंज हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, यहाँ पर आपको मल्टी नेशनल फूड चेंज मिल जाती हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर यार्ड आपको मिल जाती हैं, वो मतलब 1000 रियाल मांगते हैं, अगर आप थोड़ी से बहस कर लें तो वो लेस करके जहाँ पर आप उसको डालें या जहाँ पर वो आपको डालें वो आपका काम हो जाता है यार्ड वाला। हम लोगों ने मरीना डाइन है, मरीना डाइन से जो है वो खाना खाया था आज, वो खाना ऐसा था कि अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो आप उसको खा लें तो आपको मज़ा आएगा, मतलब आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। अब इसके बाद हमारा रात का डिनर रह गया, और डिनर में देखें हम लोग कहाँ से करते हैं, तो बाकी
डिनर करने के बाद पता चलेगा कि आज की वीडियो हमारी कहाँ ख़त्म होती है। क्योंकि ये वो चीज़ है जिसके लिए अगर पाकिस्तान से दुबई आना पड़े ना सिर्फ इसके लिए तो भी बंदा आ सकता है। और ये अलबेग की जमरी, ये है जी, ये समक वाले हैं, चिकन वाले हैं, चिकन वाले हैं। ये अलबेग के नगट्स हैं और ये अलबेग का वो ब्रोस्ट जिसको पाकिस्तानी या पूरी दुनिया जो भी सऊदी अरब में जाती है खाने के लिए जो है क्रेज़ी हुई होती है। आज इस वक्त हम लोग आ गए हैं मालूम दुबई में, और यहाँ से अगर आप सऊदी अरब रह चुके हैं या अगर आप सऊदी अरब रहते हैं तो आपको इस चीज़ का इलम होगा कि सऊदी में रहने वालों को जब अलबेग मिल जाए तो वो एक नेमत से कम नहीं होता। तो आज मालूम दुबई में हम लोग अलबेग ट्राई करेंगे और फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। इस फूड कोर्ट में अलबेग लोग ऐसे खा रहे हैं जैसे गुजरात में डॉक्टर सोसी खाते हैं। यहाँ पर आप जितने टेबल विजिट करेंगे आपको हर टेबल पर जो है ना वो अलबेग लेकर लोग बैठे हुए नजर आएंगे। हालाँकि यहाँ पर दुनिया भर के फूड ब्रांड मौजूद हैं लेकिन इसके बावजूद अलबेग का सर जी एक अपना ही नशा। ये अलबेग की स्पेशल कॉकटेल सॉस, एक और चीज़ मैं बता दूं कि अलबेग ज़्यादातर ब्रोस्ट के लिए फेमस है लेकिन इसकी जो जमरी है वो अपने आप में एक बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट रखती है। वो आप अगर जब भी जाएं यहाँ दुबई में आएं या वहाँ सऊदीया में जाएं तो ये इसकी ज़रूर ट्राई करें। जमरी श्रम्स होते हैं। अच्छा वैसे अगर आप अलबेग का मज़ा लेना चाहते हैं ना सही तरह तो इसकी जो सॉसेज है ना इसको आप अच्छे से मिक्स करके खाएँ तो आपको ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। यहाँ से हम लोगों ने अपना एक जो है वो जो डिनर कर लिया है वो अलबेग था। संडे में आया था, संडे में रश इतना था कि उसको हमने स्किप कर दिया। आज मंडे था, आज निस्बतन रश कम था तो अलबेग खाया और अपना दुबई वाला नशा जो है वो पूरा किया पूरे तरीके के साथ। और इसके बाद हम लोग आपको लेकर जाएंगे जी बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर कॉफ़ी के कप के साथ, उसी के साथ आपको दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम जो कि दुबई फ्रेम है वहाँ पर विज़िट करवाएँगे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी किसी नई जगह पर किसी नए खाने के साथ। अपने हर रखेगा अल्लाह।